स्किन रुके फिर कंसीलर को कितना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का वीडियो शुरू किया है दोपहर से और आज का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, मतलब मुझे ऐसे लगता है। अब आप लोगों को आएगा कि नहीं आएगा वो आप लोग कमेंट करके बताओगे। आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी कर देना कमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आज हमारे दोपहर के खाने में बना है राजमा चावल। चावल आज मैंने जीरा वाले बनाए हैं। पीछे से कूलर की आवाज़ आ रही होगी, यार गर्मी हो रही है तो कूलर पंखे इन्हीं सब चीज़ों की आवाज़ें आ रही हैं। तो राजमा चावल भी है, साथ में प्याज काट लिया है, खीरा नहीं था। विपिन को बोला, मतलब आज ही बोला सुबह ही की ले आओ, तो अभी ऊपर काम चल रहा है तो वो कहने लगे अभी मैं जाऊँ ये। और एक मक्खी बड़ी दुखी कर रही थी और मैं उसको बोल रही थी अरे भाई चली जा, बहुत ही छोटी सी थी। साथ में हमने रायता भी बनाया, बूंदी का रायता। तो प्लेट लग चुकी है जिसमें चावल है, राजमा है और रायता है, और जो प्याज काटे थे वो है। राजमा और छोले के साथ प्याज खीरा वगैरह अच्छा लगता है सलाद। बाकी दाल चावल के साथ मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, लेकिन राजमा छोले और कढ़ी इन तीनों के साथ मुझे पसंद है। तो देखिए चावल कितने बढ़िया लग रहे हैं। और चावलों का मुझे कमेंट आता है आप कौन से चावल यूज़ करते हो, तो नाम वगैरह मुझे नहीं पता। हाँ विपिन से मैंने पूछा तो वो किलो के हिसाब से बता रहे थे, 90 रुपये किलो, पता नहीं 100 रुपये किलो, इस तरीके से कुछ रेट में है। तो मैं भी अपनी प्लेट ले आई हूँ, बच्चा पार्टी इधर बैठा हुआ है और हम दोनों बैठे हुए हैं नीचे। तो अभी हम लोग भी अपना दोपहर का खाना खाएंगे। मैं अभी जो है मन ही नहीं कर रहा था, मतलब सूट वूट मैंने कहा यही पहन लेते हैं नहा करके, तो मैंने यही पहन लिया था। विपिन भी अभी जाएंगे और दोपहर का खाना मैं आपको बता दूँ, हम लोग ठीक 12 बजे 12:15 बजे कर रहे थे, बहुत जल्दी हो रहा था, नाश्ता हुआ नहीं, लेट उठते हैं फिर चाय के साथ बिस्किट वगैरह हो जाता है तो नाश्ते का इतना वो ही नहीं होता। फिर क्या होता है डायरेक्ट लंच ही हो जाता है 12 बजे या 12:30 बजे, कई बार 1 भी बज जाता है, लेट भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी हम लोग अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए, हम लोग भी खाते हैं। मैं रेडी होंगी और कपड़े वगैरह भी चेंज करूंगी। नहा मैं ली हूँ लेकिन मैंने यही कुर्ती पहन ली थी। और कपड़े क्या मैं चेंज करूंगी, मैं मुझे खुशी रेडी करने वाली है इस वाले वीडियो में जिस अभी आप जो देख रहे हैं। तो देखते हैं लहंगा मैं पहनने वाली हूँ, लहंगे पे वो मेरा मेकअप करती है या साड़ी पे करती है और किस तरह का वो मेकअप करती है वो सारी चीज़ें वो खुद ही बताएगी। इंटरेस्टिंग सा ये आज का वीडियो ब्लॉग जो भी आप बोलें ये होने वाला है। और आज का वीडियो मैं दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि सुबह जब मैंने ब्लॉग शुरू किया था उस सुबह क्या दोपहर में खाने के टाइम पर उस टाइम क्या है ना कि मेरा सूटों का वो भी चल रहा था तो उस पर क्या है कि बिज़ी था वो फ़ोन, तो मैंने इसी फ़ोन से शुरू कर दिया था। और पहले मैं ब्लॉग इसी फ़ोन से किया करती थी, उससे पहले इससे किया करती थी, तीनों मेरे पास है, पता नहीं मैं इन फ़ोनों को छोड़ ही नहीं पा रही हूँ। और तीनों में कुछ ना कुछ ऐसा काम हो गया ना कि ये काम इसी से होगा क्योंकि इसमें बच्चों के वो हैं चीज़ें, फिर कई बार ये दोनों फ़ोन बिज़ी होते हैं तो बच्चों का काम फिर उसमें हो जाता है, रुकता नहीं है। इस फ़ोन में मेरा एक काम है जो मैं इसी से करती हूँ, इस फ़ोन में मेरा जो है ज़्यादातर नहीं मैं ब्लॉग सूटों का उसी से करती हूँ, उसी में वो नंबर है। तो मतलब तीनों फ़ोनों में ऐसे हो गया है, जब तक ये खुद ही ख़राब नहीं होंगे ना तब तक मैं वो नहीं करने वाली। तो आज का जो और पता है हाँ एक चीज़ और, कभी कभी मैं ये वाला फ़ोन घर छोड़ जाती हूँ, जैसे बच्चे हैं, मैं मार्केट गई हूँ तो। और हाँ मेरे पास ना कमेंट आ रहा था कि रश्मि तुम अपने घर कब जाओगी, घर कब जाओगी, आज भी आ रहा है अपने घर चले जाओ, मम्मी से मिलाओ। मन तो मेरा भी है लेकिन मैं अभी गई थी मार्च में तो मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ कि अभी गई थी तो छोड़ नहीं जाती हूँ, गर्मी बहुत है ना। पिछले साल भी मैं जून में नहीं गई थी, मार्च में ही गई थी, तो रक्षाबंधन पे देखूंगी, रक्षाबंधन पे ही जाऊंगी। और इस टाइम पे ना मुझे कहीं और भी जाना है तो, और मेरे बच्चों की छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली हैं मेरे ख्याल से 9 दिन या 8 दिन। और मम्मी पर कोई घुमाने नहीं लेके गई, मम्मी पर कहीं घुमाने नहीं लेके गई, मम्मी पर कहीं घुमाने नहीं लेके गई, कहाँ लेके जाए मम्मी, कहाँ लेके जाऊँ तो लेके जाओ। आपके बच्चों की भी यही शिकायत होगी आपसे, कहीं कहीं भी ले जाओ। डाक पत्र नहीं लेके गई थी, शनि धाम नहीं लेके गई थी, खर्चे नहीं होते, उसे घुमाना कहते क्या। ये रहता है इसका, चीखती है ये, फिर ये बड़ी नहीं होगी, ये बड़ी नहीं होगी, मैं हो गई बुढ़ी, हो गई मैं, ये बड़ी नहीं होगी। अभी जो है मेकअप करना शुरू हो चुका है, रसमलाई खाई हमने
और बहुत सारी, अभी हमारे घर में बहुत सारी बातें होती रहती हैं, खुशी क्या करेगी, खुशी को क्या करना चाहिए। आज कमेंट्स में भी कुछ लोगों ने कुछ कुछ बताया हुआ था, जैसे कि अपनी अपनी राय दी हुई थी। और अभी तो बच्चे की इंटरेस्ट, अभी देखते हैं इसका ये मेकअप कैसा करती है, फिलहाल तो बातों को साइड पे कर देते हैं। क्या लगाया है? प्राइमर लगाया है। अच्छा लगे तो ट्राई कर लेना घर पे, और अगर गंदा लगे तो शक्ल ही खराब है हमारी। तो अभी खुशी ने लगाया था प्राइमर और अभी लगा रही है वो कंसीलर माई काली घेरों को ढकने के लिए। कौन सा वाला मेकअप कर रहे हो? ये ले। पार्टी में? ये ले। क्या? बाद में देखना तो भी होगा। आंखें बंद कर लो। मेरे लिए अच्छा है, गेम तो है। अब वो खाना है, इसके बाद सेम एक और एपिसोड आएगा। फोटो देख, गुड्डू ने किया खुशी का मेकअप। करवाओगे ना? अरे हाँ भाई। तो देखिए कितने अच्छे से खुशी सारा प्राइमर लिया था ना, प्राइमर को प्राइमर तो पहले लग चुका, उसके बाद कुछ एक सेकंड रुके, फिर कंसीलर को कितने अच्छे से ब्लेंड किया जा रहा है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। और खुशी कह रही मामी जी चुप रहो, कभी आपका तूप मेरे मुंह पे गिर जाए। मजाक, वैसे हो भी चुका हो क्या पता। तो अभी पहले आई मेकअप हो रहा है और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कौन सा कलर लिया। वही वाला ऐसा उनकी मामी करती है। लग जाएगा गुड्डू। नहीं अभी तो करना ही शुरू किया है, चुप रहो। मेरे डांस सर्कल और उभर कर आ गए। तो खुशी ने लगभग मेरा आई मेकअप कर दिया ना, लगभग नहीं हो गया है। अब बारी आ गई है फाउंडेशन की, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से मेकअप किया जा रहा है। पहले आई मेकअप हुआ है, उसके बाद बाकी का होगा। वैसे मुझे लगता है पूरे चेहरे पे आई मेकअप ज्यादा हो लगता है ना। देखो आई मेकअप दिखाते हैं। अभी जो है फेस पाउडर लगाया जा रहा है, फाउंडेशन लग चुका है और मुझे मेकअप ना अभी तक का बहुत अच्छा लग रहा है। अब खुशी तंग हो जाएगी आज के मेकअप के बाद, कुछ भी होगा खुशी मेकअप कर दे। अभी तो एक मैं अंगला भी करूँगी, पहले कह रही हूँ। अभी गुड्डू भी करेगी खुशी। मैंने मेरठ भी कराया था, बहुत ही बड़े पार्लर से कराया था, गूगल पर देखकर सुकून करके, जो लोग हैं उधर से वो जानते होंगे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे भी कराया, यहाँ वाला ठीक था, लेकिन मुझे जो अभी तक इसने किया है मुझे बेस्ट लग रहा है, बहुत ही गजब लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। मतलब कोई ज़्यादा थोपा थापी नहीं, बिल्कुल लिमिटेड और बढ़िया। तो अभी कपड़े चेंज होंगे, कपड़े चेंज कर लोगे पहले? बाद में कर लूंगी, इस टाइम के बाद ही जाऊंगी। वो तो अभी कपड़े भी पहनेंगे, पूरा लुक करेंगे, देखते हैं क्या ही निकल कर आता है। वो ड्रेस निकाला हुआ है ना ग्रीन वाला, वो मैं पहनने वाली हूँ। तो अभी खुशी जो है कोई हेयर स्टाइल बना रही है, देखते हैं क्या बनाती है। आता तो है इसको, पर वो नहीं है बन, वो नहीं है जिससे वो बनेगा हेयर स्टाइल, जूड़ा वगैरह, तो इस वजह से दिक्कत हो रही है। तुम बनाते हो? नहीं मैं नहीं बनाया आज तक, मेरे से बनता ही नहीं है।
ठीक है, मैंने कभी बनाया भी नहीं है, ट्राई करते हैं। बुड्ढो पिन दियो, बुड्ढो है पिन, हाथ ही ढूंढ के दो मुझे। इसी में होंगे ना शायद। तो अभी इसने मेरा इस तरीके से पफ बनाया जो कि मैंने आज तक नहीं बनाया क्योंकि मुझे आता ही नहीं है। तो देखते हैं, अच्छे से इसने सेट कर दिया है। बल्कि मुझे लग रहा था कि मेरा मुंह बहुत बड़ा लगेगा पफ बनने के बाद, लेकिन मैं चाहती थी कि पफ बने मैं देखूं। जैसे फ़ोन में देख रहे हैं तो उतना मोटा नहीं लग रहा, अभी सामने देखेंगे। बल्कि तो खुशी ने कर दिया है, कैमरा फोन टेढ़ा हो रहा है सीधा, हाँ तो खुशी ने कर दिया है रेडी। और ये वाला जो है, इसने मैं बोला कि आप ये वाला पहनना, तो मैंने फिर ये वाला जो लांचा है ये पहना है। और देखो ये भी लगाई है, ये हटा भी मतलब ऐसे ही लगा ली, बस रील बनाने का सोच रहे हैं। गले में ये वाला पहना, ये जो पिछली बार भी पहना था मुझे तो ठीक से कुछ कुछ दी। अच्छा, मेरे को लगा इसे बीच में कुछ है। चूड़ियाँ पहनी है ये ग्रीन, ये इतनी मैच नहीं कर रही इसके साथ तक, क्योंकि ये ग्रीन अलग है और ये ग्रीन अलग है। तो पूरा आप देख लीजिए, अब हो रहा है खुशी का मेकअप क्योंकि गुड्डू को लग गया था मुझे मेकअप करना। तो हो चुका, मैंने तो कपड़े वपड़े भी चेंज कर लिए, मुंह भी धो लिया, दो चार फोटो भी निकाल लिए, और अब खुशी का हो रहा है क्योंकि गुड्डू का लग गया था, मुझे भी मेकअप करना है, मुझे भी मेकअप करना है। हाँ तू बेटा तू हट जा, तू उधर हो जा, उसको करने दे, खुशी खुश हो जा। इसकी खुशबू बड़ी वैसी है ना, इसके ऊपर फाउंडेशन लगाऊं? नहीं तो पाएंगी दीदी, ये इतनी तेज तेज फोड़ रही है गाइस। पहले कौन सी स्टोरी की बात की थी तूने वीडियो में, परसों वरसों सब कह रहे हैं हमें करने की स्टोरी सुननी, मैं तो बोली थी कौन सी स्टोरी। इस कहानी का नाम है, गाएगा थोड़ी सुनाएगा ही तो। मैंने कहा आज तो गाइस, तो मैं कल गा लूंगा आपके सामने, पर नहीं मैं गाऊंगा। और अभी खुशी के हल्का सा पेट में भी दर्द हो रहा है, अभी कैसा है? अभी ठीक है, मैं कह रही हूँ दवाई वगैरह बता दे, दवाई तो कुछ होता है या आज ही हो रहा है? वैसे ही हो रहा है, गैस वैस तो नहीं बन रही। आप वैसे ही बता दो, बता दिया मैं मामा जी को, बता दूंगी, बुला लेंगे डॉक्टर के ले जा लेंगे। सफेद बाल हो रहे हैं। खुशी तुझे मेहंदी लगानी आती है? हैं, चलो जी नूपुर मेहंदी रखी हुई है, मेरा दिल तो नहीं करता यार मेहंदी लगाने का, पर लगा लेंगे यार, कलर कराने का मेहंद है। तो ये हो रहा है खुशी का आई मेकअप, क्या लगाया है भाई, पिंक कलर। खुशी की पूरी आंख पिंक हो चुकी है। तो ये देखिए इतना कंप्लीट हो चुका है खुशी का आई मेकअप, अब दूसरी आंख की बारी चल रही है। दिखाओ बड्डू, रुक जाओ, दिखा जरा, रुक जा, ये देखिए। तो खुशी का मेकअप डन हो चुका है, ये देखिए, खुशी को तो मेकअप की ज़रूरत ही नहीं है। लिपशेड कौन से वाला लगाया था, दो मिक्स करके लगाए हैं। आए हैं ऊपर, 7:30 बज रहे होंगे, उससे भी 10-5 मिनट, चलो चेक ही कर लेते हैं। ठीक 7:30 है, देख कितना अच्छा मौसम हो रखा है,
बैक कैमरे से दिखाती हूँ, हमारी बेल लगी हुई है, दिखाते चलो आपको। देखिए कितना अच्छा हो रहा है ना, ऑरेंज ऑरेंज, लेकिन हाँ उतना ऑरेंज नहीं आ रहा जितना ये हो रहा है, जितना प्यारा ये लग रहा है। अभी शायद दूर जाके आए। हाँ बहुत ही प्यारा हो रहा है इस टाइम। अभी हम आए नीचे और नीचे आने के बाद मैं देख रही थी चिड़िया को, मैंने सोचा ये नहीं होगी तो इसके बच्चे देखेंगे, क्योंकि बच्चे देखे ही नहीं है अभी तक, अंडे से निकले हैं कि नहीं निकले हैं। और अब ये ना हमसे डरती नहीं है अगर हम इसके पास जा रहे हैं। जैसे देखो मैंने जूम नहीं किया हुआ, मैं इसके इतने पास खड़ी हुई हूँ लेकिन फिर भी ये उड़ नहीं रही। पता नहीं मेरे मन में ये भी आ रहा है कि ये क्या हो गया है, ये उड़ क्यों नहीं रही है, क्योंकि पहले हम पास में आते थे इतना पास तो ये उड़ जाती थी। तो कल सुबह चेक करूँगी, देखूँगी इसको ये उड़ती है कि नहीं उड़ती। मुझे कुछ डाउट हो रहा है कहीं इसके पैर वैर ठीक भी हैं कि नहीं। ना हम लोगों का हो चुका है और खाना पीना मैंने कुछ भी आप लोगों को नहीं दिखाया, क्या खाया क्या पिया। विपिन और तन्मय तो गए थे एक बर्थडे पार्टी में, मैं खुशी गुड्डू थे घर पे, तो हमने जो रखा था उसी से खा लिया। बल्कि बच्चों का मन मैगी खाने का था तो मैंने कहा मैं कल बना दूँगी मैगी और आज नहीं बनाती। ये लेटे हुए साहब जी, गर्मी बहुत है, आज तो हो रही है लेकिन बारिश अभी नहीं पड़ेगी यार। जहाँ प्रोग्राम होता है ना वहाँ गर्मी ऑटोमेटिकली होती ही है, क्योंकि लोगों की गर्मी होती है ना, लोग इकट्ठे होते हैं। हाँ जी कैसा लगा खुशी का मेकअप देखा आपने? अच्छा किया ना गुड्डू वाला, दोनों अच्छे लगे। मोस्पेशन के पास जा रहा है बार बार, फिर मैं डांटूंगी, फिर बोलोगे, फिर मेरा चीखना दिख जाएगा। तो ये आइसक्रीम लाए हैं तो मैं कह रही थी बच्चों को जो है दे दो आइसक्रीम, वो काम इन्हीं का ही है और ये करते भी हैं शुरू से, इन्होंने ही वो गंदी आदत डाली। अब जब डाली है मेरा हाथ थक गया, हमें नहीं लगती आप कर दो। वो देखो क्या कर रहा है, अब इस तोले को गीला कर दिया, वहां नट आ गई। ये देखो मेरे बाल, ये बालों ने तो चलो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। जो भी ये वीडियो था आपने देख लिया, कल ये वीडियो जाएगा संडे को, क्योंकि अगर मैं इसको नहीं डालती तो फिर ये मंडे को जाएगा, तो नहीं संडे को भी चला जाएगा, कोई वो नहीं है अगर एडिट वेडिट कर दिया तो। और बताइएगा आपको दोनों बच्चों का मेकअप कैसा लगा। बस मैं नहीं चाहती कि आप किसी को भी किसी से कंपेयर करो, मेरे को सारे बच्चे प्यारे हैं। ये नहीं कि भाई आप किसी को भी बोलो उसका बेस्ट इसका बेस्ट इसका बेस्ट, जिसने जैसा किया बहुत अच्छा था। मुझे खुशी का भी बहुत अच्छा लगा, गुड्डू का भी बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली बच्चे दोनों ही कमेंट्स पढ़ते हैं, मतलब गुड्डू अभी नहीं पढ़ती, कुछ टाइम बाद जैसे मेरा फ़ोन ले रही है, मेरी वीडियो चला लेती है वो अपने पापा के फ़ोन में या खुशी के फ़ोन में चला लेती है अब, या मेरे में ही चला लेती है, मेरे में तो बहुत कम चलाती है। तो कमेंट्स पढ़ने की आदत सभी को होती है कि देखिए, तो थोड़ा सा वो रहता ही है। वैसे कुछ ज़्यादा ही ऐसा कमेंट आता है किसी के लिए भी आए परिवार में, मैं डिलीट कर देती हूँ। तो बस यही कहूँगी बच्चों को आपस में कंपेयर मत करना, उससे कुछ बच्चों में ही वो जाता है ना, किसी दोनों में से किसी को भी मत करना एक दूसरे से, दोनों अपनी जगह बेस्ट है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही बच्चे पांचों बराबर नहीं होते। चलिए वैसे तो मेरी ही जो सारे व्यूवर्स हैं सब्सक्राइबर्स हैं, देख लो इनका रौद्र रूप आपका पंखा बंद कर दे यार। चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे आप सबसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट।